मैं आपको सिखाऊंगा आज इंडक्स फंक्शन मैच के साथ कैसे यूज करते हैं। तो इंडक्स विद मैच, तो एज यूजल हम अपनी इनिशियल शीट पे जाते हैं। तो इनिशियल शीट पे हम सबसे पहले हमें सर्च करना है कि हिंदी यहाँ पे आखिरकार है किस नंबर पे, ये B3 से लेकर के F3। तो हिंदी के लिए हम सर्च कर लेते हैं इक्वल्स टू मैच, मैच ये हिंदी कॉमा, ये यहाँ से B3 से लेकर के F3 तक कॉमा 0 किस नंबर पे है, एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए 0 लगाया हमने और एंटर। तो ये तीसरे नंबर पे है, ठीक इसी तरह की जैम कितने नंबर पे है आखिरकार, एम मैच और ये हमने जैम सेलेक्ट किया कॉमा, एरिया सेलेक्ट किया कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, जैम 9वें नंबर पे है। तो इक्वल्स टू इंडेक्स, अब हम रेडी हैं इंडेक्स लगाने के लिए ब्रैकेट, अब यहाँ पे पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया है हमने कॉमा, रॉ नंबर जैम कौन से नंबर पे है जो कि हम पहले निकाल चुके हैं 9वें नंबर पे, तो ये सेलेक्ट कर लिया, I7 सेलेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है कॉमा, और कौन सा कॉलम नंबर चाहिए हमें, तो उसके लिए K5 है हमारा, तो वो सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आ गया हमारा 36, अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो बिल्कुल हमारा दीपू में हिंदी 52 आ चुका है, जो कि मैंने यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी है, तो आप देख सकते हैं कि सही रिप्लाई कौन सा है ऑन वीडियो, सब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस समय इंडेक्स के अंदर कहीं मैच नहीं लगा हुआ है, ये बाहर लगा हुआ है, तो मैं अगर चाहूँ तो इसको अंदर भी फिल कर सकता हूँ, ये मैच में गया F2 से मैं एडिट मोड पर गया हूँ, यहाँ से मैंने ये मैच तक कॉपी कर लिया, इक्वल्स कॉपी नहीं करना है, कॉपी एस्केप, यहाँ पे अंदर गया मैंने K5 को सेलेक्ट किया, उसकी जगह मैंने मैच फंक्शन पेस्ट कर दिया एंटर, अभी भी फंक्शन वर्क कर रहा है, और इस मैच को मैंने यहाँ पे कॉपी किया अपने इंडेक्स के फंक्शन के अंदर गया, जहाँ पे I7 लिख रखा था वहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया और एंटर, अभी भी ये बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है। तो ये था इंडेक्स फंक्शन विद मैच, आप मेरी फाइनल शीट भी देख सकते हैं जिसमें फाइनली मैंने सब कुछ करके दिखाया हुआ है, तो चाहे तो इसे डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए, अगले ट्रिक के लिए फिर मिलते हैं।